हाय गाइस, मैं मोहन सुथार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट अकाउंटिंग आरएसएनआर में। गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे भी एक बिजनेस के अंदर जहां पे मैनुअल अकाउंटिंग मेंटेन की जाती है वहां पे ट्रायल बैलेंस बनाना क्यों जरूरी हो जाता है, क्या डिफरेंस है ट्रायल बैलेंस और तलपट में, और तलपट बनाने का फॉर्मेट क्या है। तो गाइस, अगर आप अकाउंट्स के बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट हो और आपने मैनुअल अकाउंटिंग सीखे बगैर डायरेक्टली टेली बीजी या कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीखना शुरू कर दिया तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो एक स्पेशल फ्रेश स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस कर लेना ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो गाइस, शुरू करते हैं एक लाइव प्रैक्टिकल विद ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, किस फॉर्मेट में। तो गाइज, अगर बात करें ट्रायल बैलेंस की तो ट्रायल बैलेंस इंग्लिश का वर्ड है और तलपट हिंदी का। ट्रायल बैलेंस का एक बिजनेस अकाउंटिंग में क्या महत्व है, ट्रायल बैलेंस बनता कैसे है और तलपट बनाना जरूरी क्यों होता है, यानी कि ट्रायल बैलेंस बनाना क्यों जरूरी होता है। तो पहले हम बात करेंगे भी तलपट बनता कैसे है और तलपट बनाने के लिए क्या क्या प्रोसेस रहता है। तो गाइज, जब एक बिजनेस में अकाउंटिंग वाउचर से जो हमारी ट्रांजेक्शन होती है, जैसे हमने कितना माल परचेज किया है, कितना सेल किया, पेमेंट कितनी करी, रिसिप्ट कितनी है, ये बैंक के वाउचर्स क्या हैं, डेबिट नोट क्रेडिट नोट है, और जो हमारे खर्चे के जो भी वाउचर हैं, इन सभी वाउचरों की एंट्री हमें डे बुक में, यानी कि हमारी केस बुक और जर्नल बुक में इनकी एंट्रियाँ करती हैं, और इन एंट्रियों के बाद में इन अकाउंट्स को लेजर में इनकी एंट्रियाँ कर दी जाती हैं अकाउंट वाइज, और फिर अकाउंट्स लेजर बुक से हमारा ट्रायल बैलेंस तैयार होता है। तो गाइज, हमेशा ट्रायल बैलेंस लेजर से ही तैयार किया जाता है, ये हमें विशेष ध्यान में रखना है। तो गाइज, अब बात करेंगे हम ट्रायल बैलेंस बनाना क्यों जरूरी है। तो गाइज, जब हम किसी बिजनेस में मैनुअली बुक से सारा अकाउंट मेंटेन किया जाता है तो उस बिजनेस में पूरे फाइनेंशियल ईयर का, यानी कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का जो भी लेन देन किया है उसका सारा हिसाब किताब सही हुआ है या नहीं हुआ, उसमें हमारे द्वारा कोई गलती तो नहीं होगी, ये देखने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। ये जब हम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं, जैसे टेली बीजी वगैरह अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, तो वहाँ पे सब कुछ ये ट्रायल बैलेंस वगैरह बुक्स की फाइनलाइजेशन वगैरह सब कुछ ऑटोमेटिक ही हो जाती है, सॉफ्टवेयर अपने आप ही कर देते हैं, लेकिन मैनुअल बुक्स में ये सब कुछ हमें खुद को ही तैयार करना पड़ता है। तो गाइज, ये बुक्स की फाइनलाइजेशन क्या चीज़ होती है, ये कैसे तैयार की जाती है, ये ट्रेडिंग अकाउंट क्या चीज़ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या चीज़ है, कैपिटल क्या चीज़ है, बैलेंस शीट क्या चीज़ है, इसके बारे में मैं स्पेशल एक नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, उसमें अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। गाइज, इन चारों चीज़ों से हमारी बुक्स की फाइनलाइजेशन तैयार होती है। तो हम लेजर से तलपट बनता कैसे है इसका लाइव प्रैक्टिकल देखते हैं और हम प्रैक्टिकल से इसको समझते हैं। तो गाइस, ये हमारी कंपनी की कुछ जर्नल एंट्री हैं जो हमने पिछली वीडियो के अंदर ओरिजिनल वाउचर से बनाना सीखी थी, और इन जर्नल एंट्रियों से हमने लेजर क्रिएट करे थे। तो गाइस, ये जर्नल एंट्री कैसे बनती है और इनके लेजर कैसे क्रिएट होते हैं, अगर आपको ये नहीं पता तो आप हमारी पिछली वीडियो ज़रूर देख लें, इसका इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से जाके इसको ज़रूर देख लें ताकि आपको तलपट कैसे बनता है ये आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो गाइस, ये हमारी जर्नल एंट्रियाँ थी और इन जर्नल एंट्रियों से हमने टोटल लेजर क्रिएट किए थे। जर्नल एंट्री हमारी 3 डेज एंट्री है, 5 तारीख की, 1 6 तारीख की और 1 30 अप्रैल की। कहिए, 30 अप्रैल के अंदर 2 एंट्री हमने करी थी, जो एक तो हमारा बैंक चार्जेस का, एक है शॉप रेंट का। कहिए, बैंक चार्जेस की एंट्री कौन सी होती है, अब हमारा लेजर HDFC बैंक के अंदर है लेकिन बैंक ने हमको ₹2500 का चार्जेस लगाया है, यानी किसी भी टाइप की सर्विस का खर्चा बैंक ने हमसे लिया है। तो गाइस, इसकी एंट्री हमें कैसे पता चलेगी, जब हम बैंक से स्टेटमेंट लेके आएंगे तब पता चलेगी। तो जब हम बैंक से स्टेटमेंट लेके आए तो हमें पता चला भी बैंक ने मेरे को ₹2500 का चार्ज लगा रखा है, तो इसकी जर्नल एंट्री हमने 30 अप्रैल में कर दी। तो बैंक चार्जेस को हमने डेबिट कर दिया और HDFC बैंक को क्रेडिट कर दिया। और इसी तरीके से शॉप रेंट की एंट्री, और शॉप रेंट अकाउंट को डेबिट किया था और विकास सन ऑफ राजू को क्रेडिट किया। तो गाइस, शॉप रेंट अकाउंट, ये रिवर्स एंट्री करी थी हमने, पिछली वीडियो के अंदर देखा था हमने विकास सन ऑफ राजू को चेक दिया था ₹100 का एडवांस, लेकिन मंथ एंड पे उसकी रिवर्स एंट्री कर दी, विकास के तो हमने क्रेडिट कर दिए और शॉप रेंट को डेबिट कर दिया, और इस तरीके से इनके लेजर भी क्रिएट कर दिए शॉप रेंट का और बैंक एक्सपेंसेस का। तो गाइस, अब हम बात करते हैं भी लेजर बुक से ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है और कैसा एक ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट।
उस पे हम बात करते हैं। तो वैसे ये हमारे सामने ट्रायल बैलेंस का एक फॉर्मेट। तो वैसे आपने बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट देखे होंगे ट्रायल बैलेंस के, यूट्यूब पे या बुक्स के अंदर। तो वैसे आपके सामने अलग अलग ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट जरूर हो सकता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ट्रायल बैलेंस के अंदर हमें लिखना क्या है, डाटा एंट्री क्या करनी है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमें पता होने चाहिए। तो गाइज हमारे पास टोटल 9 लेज़र्स थे, उन लेज़र की हमने लिस्ट यहाँ पे बना दी। और यहाँ पे लेज़र बुक्स पेज नंबर कि कौन सा लेज़र कितने नंबर पेज पे पोस्ट हुआ हुआ है। तो गाइज अब हमें ट्रायल बैलेंस में क्या कुछ करना होता है, प्रत्येक लेज़र का डेबिट साइड का टोटल डेबिट के कॉलम में, क्रेडिट साइड के टोटल क्रेडिट के कॉलम में लिखना होता है। गाइज हमारे पास पहला लेज़र राजेश कुमार का, तो अब हमें ये चीज़ देखना है राजेश कुमार के डेबिट साइड के अंदर, यानी कि राजेश कुमार का जो लेजर बना हुआ है उसके डेबिट के कॉलम का टोटल कितना है और क्रेडिट का कितना है। तो चलते हमारे लेजर बुक्स पर। तो ये हमारे सामने लेजर बुक्स है, ये राजेश कुमार का लेजर है। तो अब डेबिट के कॉलम में 0 है, तो अब हम राजेश कुमार के डेबिट के कॉलम में लिखेंगे 0। अब बात करेंगे क्रेडिट की, क्रेडिट के कॉलम में कितना है, तो क्रेडिट के कॉलम में है 50,000 रुपये। तो हम ये 50,000 रुपये क्रेडिट के कॉलम में भी लिखेंगे। तो गाइज इस तरीके से हमें हमारी बुक्स के अंदर जितने भी लेज़र बने हुए हैं, प्रत्येक लेज़र का डेबिट का साइड का टोटल डेबिट के कॉलम में और क्रेडिट के साइड का टोटल क्रेडिट के साइड में यहाँ पे लिखते जाएंगे। तो गाइज एक चीज़ हमें और ध्यान रखनी है, जितने लेज़र हमारी अकाउंट्स बुक के अंदर बने हैं उतने ही हमारे ट्रायल बैलेंस के अंदर आ जाने चाहिए सारे। अगर एक भी लेज़र मिस हो गया तो हमारा ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच नहीं करेगा, ये हमें ध्यान रखना है, कोई लेज़र मिस ना हो जाए। अब सेकेंड लेजर हमारा किराना गुड्स जीएसटी फ्री का, तो हम जीएसटी फ्री के लेजर पे चलते हैं और डेबिट साइड का टोटल है 35,471 रुपये और 10,808 रुपये इसका क्रेडिट का कॉलम। इस तरीके से हम केस पे चलेंगे, केस के लेजर का 58,952 रुपये और क्रेडिट साइड का 22,000 रुपये। इस तरीके से राम इंटरप्राइजेस का 15,000 रुपये डेबिट है और 35,471 रुपये। इस तरीके से मुकेश कुमार का लेजर 2,856 रुपये डेबिट और 2,500 रुपये क्रेडिट। इसी तरीके से HDFC बैंक का लेजर 21,500 और 13,125 रुपये क्रेडिट साइड का। इसी तरीके से विकास का 100 रुपीज़। इसी तरीके से शॉप रेंट का डेबिट साइड 1,0 और इसी तरीके से बैंक एक्सपेंसेस 25। तो गाइस इस तरीके से टोटल 9 लेज़र हमारे पास थे और उन 9 लेज़र्स के हमने ट्रायल बैलेंस के अंदर एंट्री कर दी। तो इस तरीके से हमारा जब ये प्रत्येक एंट्री और डेबिट का कॉलम डेबिट में और क्रेडिट का क्रेडिट में करेंगे तो हमारे दोनों साइडों का टोटल बिल्कुल बराबर आएगा। तो गाइज अब ये दोनों साइडों का टल पर अगर हमारा बराबर आ जाता है तो हम इसको ये समझते हैं कि हमारी जो जर्नल बुक्स में से जो हमारी लेजर बुक में एंट्री पोस्ट हुई है वो बिल्कुल सही है। लेकिन गाइज एक चीज़ का ध्यान में रखना है, हमें अगर ट्रायल बैलेंस का अगर दोनों साइड का टोटल बराबर आ रहा है तो हमें ये नहीं समझना है कि हमारा बुक्स बिल्कुल ओके है, यानी कि हमारे लेजर बिल्कुल ओके हैं। तो गाइज अगर आपकी एक तरफा गलती होगी तो हमें पकड़ में आ जाएगी गलती कहाँ है, अगर दो तरफा अगर कोई गलती होती है तो हम उसको कैसे पकड़ में लाएंगे, इस चीज़ को हम समझते हैं एक प्रैक्टिकल के जरिए। अब गलती हमारे से क्लरिकल मिस्टेक कहाँ हो सकती है ये हम समझते हैं। अब हम चलते हैं हमारे लेजर बुक्स पे और लेजर बुक्स पे जाने से पहले हम चलेंगे जर्नल एंट्री पे। तो गैस अब यहाँ पे हम किसी भी एक एंट्री का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ये 5 अप्रैल की हमारी एक एंट्री है, ये एंट्री कैश काउंट डेबिट टू किरियाना गुड्स, यानी कि केस का लेजर 4,512 रुपये से डेबिट होएगा और किरियाना गुड्स का खाता 4,512 रुपये से क्रेडिट होएगा। लेकिन हमारी यहाँ पे तो हमने वाउचर को देख के बिल्कुल सही एंट्री कर दी, लेकिन इसकी क्लेरिकल मिस्टेक हमारे से जब लेजर में पोस्टिंग हुई तब होगी। अब मान लीजिए अब जैसे यहाँ पे 4,512 यहाँ बिल्कुल सही लिखा हुआ है, लेकिन क्लेरिकल मिस्टेक अगर हमारे से ये हो जाती है, मैंने 4,512 के बजाय 4,521 रुपये लिख दिया और किरियाना गुड्स के अंदर हमने 4,512 बिल्कुल सही लिख रखा है, तो गाइस हमको नहीं पता चला हमने क्लेरिकल मिस्टेक हमारे से होगी, हमने नेक्स्ट डे की एंट्रियाँ भी शुरू कर दी। तो अगर हम तलपट बनाएं इस पोजीशन पे तो केस का टोटल हो गया 58,961 रुपये। अगर हम यहाँ पर अब 58,961 रुपये अगर लिखेंगे तो
तो गाइस ये हमारे टोटल में फर्क आएगा 9 रुपए का। तो गाइस अगर हम 9 रुपए का डिफरेंस देखें तो हमारे पास क्रेडिट साइड में 9 रुपये कम आ रहे हैं, डेबिट साइड में ज़्यादा आ रहे हैं। तो गाइस हम ये नहीं समझेंगे भी क्रेडिट साइड में 9 रुपये हमने कोई कम लिख दिए। अब ये भी हो सकता है कि हमने डेबिट साइड के अंदर 9 रुपये ज़्यादा लिख दिए हों। ट्रायल बैलेंस को देख के पता नहीं चलेगा अभी गलती कौन से लेज़र में हुई है। अगर ये गलती हमें पकड़नी है तो हमको जाना पड़ेगा हमारे लेज़र बुक्स के ऊपर, और लेज़र बुक्स पे जाने से पहले हमें जाना होगा हमारी जर्नल एंट्रियों पे। अब जर्नल एंट्रियों को एक एक एंट्री हमने वेरीफाई करनी है भी जो एंट्री हमारी जर्नल बुक्स के अंदर हुई हुई है वो सेम एंट्री यानी कि सेम उसकी फिगर लेज़र बुक्स के अंदर भी पोस्टिंग हुई है या नहीं हुई है। तो क्या जब जैसे 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 हम चेक करते जाएंगे और कैश के लेजर पे जाएंगे, हमने ये चीज़ देखना भी हमारा कैश अकाउंट 4512 रुपये से डेबिट हुआ है या नहीं हुआ, और कैश के लेजर पे जाएंगे तो यहाँ पे पता चलेगा ये तो 4512 के बजाय 4521 रुपये लिखा गया। तब अगर हम इसको वापस करेंगे 4512 रुपये तो हमारा अब 58952 रुपये आ गया, और तलपट में भी हम 58952 रुपये कर देंगे। तो गाइस ये हमारा डिफरेंस बिल्कुल बराबर हो जाएगा। तो गाइज अगर इसी तरीके से गलती हमारी दोनों साइड भी हो सकती है। अब दोनों साइड कैसे हो सकती है, अब इसका भी हम प्रैक्टिकल देखते हैं। जैसे हमने कैश के अकाउंट में 4521 रुपये लिख दिया और किराना गुड्स का जो लेज़र है उसमें भी 4512 की बजाय 4521 रुपये ही लिख दिया। तो गाइज दोनों में फ़र्क आ गया, यहाँ पे 10817 हो गया। अगर अब यहाँ पे करें 10817 और कैश के अकाउंट में अगर हम बात करें तो यहाँ पर अभी 9 रुपये से ज़्यादा बैलेंस आ गया होगा। अब 4521 है तो 58961 रुपये, अब यहाँ पर करेंगे 58961 रुपये। तो गाइज यहाँ कर दोनों साइडों में अगर टोटल बनेंगे तो ट्रायल बैलेंस का टोटल तो हमारा मैच हो गया, लेकिन गलती तो इस तलपट में हुई है तो हमको पता है। तो गाइज अगर इस टाइप की अगर गलती हो जाए तो हमको कैसे वेरीफाई करना होगा भी हमारी बुक्स बिल्कुल सही है या गलत है। तो अगर ये गलती पकड़ने के लिए हमें सबसे पहले जर्नल एंट्रियाँ जो हमने डे टू डे तैयार करी है उनका टोटल मैच करना पड़ेगा। क्या जैसे हमने ये हमारी 5 तारीख की एंट्री है और ये 5 तारीख पूरे डेज का टोटल दोनों साइड का ये है, इसी तरीके से हमने 6 तारीख का भी टोटल लगा रखा है और इसी तरीके से 30 तारीख का टोटल लगा रखा है। कहते अगर हम तीनों टोटल का डेज का अगर टोटल करेंगे तो ये हमारे पास टोटल ये आएगा 13,404। अब ये जो टोटल है ये हमारा ट्रायल बैलेंस के साथ मैच होना चाहिए। अब हम ट्रायल बैलेंस अगर ओपन करेंगे, अब ट्रायल बैलेंस के अंदर ये टोटल आ रहा है और हमारी जर्नल बुक्स के अंदर ये टोटल आ रहा है। इसका मतलब भी हमारे जर्नल एंट्रियों से जर्नल बुक से लेज़र में जब पोस्टिंग करी तो वहाँ पे मिस्टेक होगी। अगर वापस हम कैश के लेज़र को चेंज कर देंगे 4512 रुपये से, और यहाँ पर भी वापस हम 4512 रुपये कर देंगे तो दोनों में फ़र्क ऑटोमेटिक सही हो जाएगा 58952 रुपये। अब यहाँ पर हम करेंगे 58952 रुपये और यहाँ पर करते हैं 10,808 रुपये। भाई जब ये टोटल बिल्कुल इस हमारी कैश बुक के साथ मैच करेगा, ये दोनों का डाटा हमारा बिल्कुल मैच करेगा। अगर इस टाइप की अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई गलती हो जाती है तो हमको यहाँ से वेरीफाई करना पड़ता है भी हमारा बुक्स का डाटा बिल्कुल सही जा रहा है या नहीं जा रहा। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर आपके किसी भी टाइप की कोई कन्फ्यूजन, कोई सस्पेंस है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो गाइज अगर हम जैसे तलपट का फॉर्मेट तैयार किया था यहाँ पे, तो तलपट का फॉर्मेट हम चाहें तो इसका नेट बैलेंस भी लिख सकते हैं इसके अंदर। नेट बैलेंस कैसे, अब गाइज जैसे हमने के रैना गुड्स का जो लेजर था हमारे पास 35,000, हमने अब डेबिट साइड का टोटल डेबिट में लिखा था और क्रेडिट का क्रेडिट साइड में लिखा था। अगर हम नेट डिफरेंस लिख दें तो भी हमारा बिल्कुल ट्रायल बैलेंस बराबर आएगा। जैसे किराना गुड्स है, अगर हम बात करें इसके दोनों के डिफरेंस की, हमने डेबिट में से क्रेडिट को माइनस कर दिया तो हमारे पास बैलेंस बच गया 24,663। यानी कि अब ये 24,663 रुपये हम केवल डेबिट साइड के अंदर वहाँ पे लिख देंगे। मैं डाटा सारा एक बार हटा देता हूँ। तो भाई अगर इसके हम नेट डेबिट साइड के अंदर लिख देंगे 24,663। अच्छा गाइज अब एक चीज़ हमें क्लियर करनी है, हमें कैसे पता चलेगा अब ये जो फिगर है ये हमारे डेबिट के कॉलम में जाएगी या क्रेडिट के कॉलम में जाएगी। तो गाइज अब यहाँ से हमें कन्फर्म होएगा ये हमारा डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट का कम है, तो जाहिर सी बात है ये डेबिट ही रहेगा। अगर क्रेडिट जाता होता डेबिट कम होता तो ये क्रेडिट साइड में जाता। इसी तरीके से हम कैश के लेज़र का भी अगर नेट डिफरेंस लिखेंगे, बहुत से तलपट आपने देखे होंगे वहाँ पर सिर्फ ओनली नेट डिफरेंस लिखा जाता है 36,952, तो यहाँ पर भी हम 36,952 रुपये
इस तरीके से राम इंटरप्राइजेस का अगर हम नेट डिफरेंस निकालें तो 20,471 ये हमारा क्रेडिट साइड में आएगा। अब क्रेडिट साइड में क्यों आया, क्योंकि क्रेडिट का बैलेंस ज़्यादा है। अगर इसमें से बात करें 2856 माइनस 2500 तो 356 रुपये ये डेबिट साइड में जाएगा। इसी तरीके से HDFC बैंक का तो 8375 रुपये ये डेबिट साइड में जाएगा। विकास का अगर हम चाहें तो जीरो बैलेंस रखेंगे, क्योंकि विकास के बुक्स के अंदर डेबिट में भी 100 है और क्रेडिट में भी 100 है, तो इसका कोई लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये 100 रुपये डेबिट और ये 2500 रुपये डेबिट, यानी कि ये हमारा 100 रुपये डेबिट और ये 2500 रुपये डेबिट कह जाकर, तो भी हमारा जो डिफरेंस है वो बिल्कुल जीरो रहेगा, यानी कि डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों हमारी मैच हो जाएगी। लेकिन इसके अंदर आपको अगर कोई गलती रहेगी, क्योंकि जैसे हमने पिछली बात करी थी भी 4521 और 4521 दोनों साइड में लिखा जाए, तो आपका ये डाटा मैच नहीं होएगा। आपकी जो जर्नल एंट्रियों के साथ अगर हम मैच करना चाहें तो यहाँ से मैच नहीं होएगा। तो इसलिए बेटर ये रहता है कि आप दोनों साइडों का टोटल बराबर में लिखें, डेबिट वाला टोटल डेबिट के अंदर, क्रेडिट वाला टोटल क्रेडिट साइड के अंदर, ताकि हमें ये कन्फर्म हो जाए भी ये डाटा हमारे बुक्स के टोटल के साथ मैच कर रहा है। अब यहाँ पर कुछ डाटा आ रहा है और यहाँ पर कुछ अलग ही डाटा आ रहा है, अगर यहाँ पर कोई गलती हुई है तो हमें को नहीं पता चलेगा। तो इस टाइप की अगर कोई गलती होगी तो हमें कंप्यूटराइज्ड काउंटिंग जब करेंगे तो हमें पता चलेगी ना। और ये जर्नल एंट्री और ट्रायल लेजर कैसे बनते हैं ये हमारा पिछला वीडियो जरूर देख लें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे रखा है। तो गाइज हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे इस ट्रायल बैलेंस से हमारी बुक्स का फाइनलाइजेशन डाटा कैसे तैयार होता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह कैसे बनती है। तो गाइज आज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर देना। ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना और बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस कर लेना। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।